काफी वे फाइनली रियलमी तैयार है अपने रियलमी 11 सीरीज के अंदर एक न्यू स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियलमी 11 प्रो प्लस के रिगार्डिंग इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन बताने। और तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें डिजाइन की, तो डिजाइन में कुछ इस तरह का आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, जो किसी के साथ आपको 120 हर्ट्ज का आपको हायर रिफ्रेश रेट के साथ आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि पंच होल स्टाइल में आपको 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करें बैक साइड की, तो राउंड सेट के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग मिलेगी। प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का एंड सेकेंड कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा एंड थर्ड कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी का आपको 7000 वाला कोई चिपसेट आपको इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सा आपको चिपसेट इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। एंड अगर बात करें बैटरी की, तो फिर इस स्मार्टफोन में बैटरी में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि इसी के साथ आपको स्टीरियो स्पीकर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। 60W से लेके 100W तक आपको चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एंड्रॉयड 13 देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें रैम की, तो 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिलेगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा। सारे के सारे आपको सेंसर्स भी आपको इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम एंड थिक भी रहने वाला है, तो फिर डिज़ाइन के मामले में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन भी आपको इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया जाता है, काफ़ी बढ़िया कूल लुक के साथ आपको देखने को मिल जाता है। एंड आज की शो में इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो के साथ। एंड तब तक लेते हैं केयर एंड बाय बाय।